के बगानों को पीछे छोड़ते हुए हम आ गए हैं सुचीपारा वाटरफॉल, जो कि वायनाड सिटी से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। वेलकम बैक टू द रोमिंग डायरीज। कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको पढ़ के जाना चाहिए, और यहाँ पे है टिकट काउंटर्स जो हमें 50-50 रुपीज़ पर पर्सन लगे। सो बच्चों की बात करें तो बच्चों को 30 रुपीज़ लगते हैं, आई गेस कैमरा के लिए 40 रुपीज़ एंड फॉरनर्स के लिए आई गेस 90 रुपीज़। सो थोड़ी सी यहाँ पे ट्रैकिंग करनी होती है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है फॉर मेन गेट, बट आई एम नॉट श्योर कि 1 किलोमीटर ही है, बिकॉज हमें थोड़ी सी ऐसे फील हुआ कि ओ गॉड मोर देन 1 किलोमीटर, बिकॉज आई गेस रास्ते ऐसे हैं और जंगलों के बीच आपको जाना होता है। सो यहाँ ना कुछ अजीब टाइप्स की आवाज़ें आती हैं, नोट्स एक्चुअली बर्ड्स, सो कुछ कीड़े होते हैं या कुछ ऐसा होता है जो पूरे टाइम इरिटेटिंग साउंड फील करता है। सो ज़्यादा टाइम के कुछ रास्ते ऐसे हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं और ये मम्मी को मना कर रहे थे कि यहाँ पे शूट मत कर, बिकॉज ही वॉज जस्ट वरीड, बिकॉज रास्ते कुछ ऐसे अजीब से थे, यहाँ पे सीढ़ी नुमा है थोड़ा। सुचीपारा वाटरफॉल फीचर्स हाईएस्ट ऑफ 200 मीटर, सो या लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटी। I don't have बिना बागे ज्ञान। सो अगर आप कहीं भी वाटरफॉल जाते हो, कहीं भी अगर आप जाते हो, सो यू हैव टू जस्ट बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे पैर स्लिप हो जाती है या तो फिर यू नो ऊपर से कुछ भी गिर सकता है। सो या ये तो रही ज्ञान की बातें, बट मैं आपको बताऊँ यहाँ की बहुत ही खूबसूरती यहाँ के वाटरफॉल के बारे। सो आप जैसे ट्रैकिंग करके आते हो आपको थकान सी होती है, तो जैसे पैरों को झुला कर या बैठ जाते हो, या तो काफ़ी सारे लोग नहाते भी हैं यहाँ पे आकर। सो ये जो वाटरफॉल है काफ़ी नेचुरल वाटर है, एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, वाटर भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। सो यहाँ पे मतलब आकर आप काफ़ी रिलैक्स फील कर सकते हो, बिकॉज चारों साइड बिल्कुल ग्रीनरी और बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में ये वाटरफॉल है। अपन बात करते हैं यहाँ पे पहुँचा कैसे जाए। सो 35 किलोमीटर डिस्टेंस है वायनाड सिटी से, और नियरेस्ट बस स्टैंड है मेपाड़ी, जो 13 किलोमीटर डिस्टेंस में है यहाँ से, और रेलवे स्टेशन का नाम है खोजी खोड़े, आई एम सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, जो कि 91 किलोमीटर डिस्टेंस है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट है कैलिकट, जो कि 130 किलोमीटर डिस्टेंस में है। सो इस तरह से आप आ सकते हो, लोकल बसेस ऑटोज़ वगैरह जाती है यहाँ पर, और आपको कुछ समझ में ना आए तो जहाँ पे आपने स्टे किया हुआ है वहाँ पे आप बोल दोगे तो वहाँ पे कैब वगैरह हायर करके दे देते हैं। ये जो अजीब सी आपको बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही है ना, ये आपको ऑलमोस्ट पूरे वायनाड में सुनने को मिलेगा। और कमेंट भी लो गाइस, आपको कैसा लगा वायनाड घूमकर यहाँ के वाटरफॉल। हम निकल पड़े हैं दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, सो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन बाय, टेक केयर।